लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए आइए सेठ मनोहरलाल जी। वैसे मेरे जीजा जी सरकारी काम के लिए तो घर पे मिलते ही नहीं, लेकिन मैं साला जैसे साली आधी घर वाली, वैसे मैं ज्वाला साला आधा घर वाला। आपका काम तो सेठ जी, हाँ? आपके पास एक 500 रुपए है? जैसे ही मैं आपको इशारा करूं, आप फौरन नोटों का बंडल जीजा जी के हाथ में रख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। आइए। अरे बच्चो, नमस्ते मामा जी। अरे अरे सूर्या बेटा, चंदा बिटिया, तुम्हारे पापा कहाँ हैं बेटा? ज्वाला तुम? अरे जीजी प्रणाम। सुबह सुबह कैसे? ओ कुछ काम था जीजा जी से। जीजा जी हैं कहाँ? तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ। आइए। हाँ। खेलो बेटा खेलो। आइए सेठ जी। अरे ज्वाला कैसे ना हुआ? प्रणाम जीजा जी। हाँ। जीजा जी ये सेठ मनोहर लाल जी। नमस्ते। अपनी साई साहब मिल के मालिक। साई सोमिल, हाउ आर यू? जीजा जी बेचारे बहुत परेशान है। इनका ये महीने का बिजली का बिल 25,000 रुपए आया। ओहो, मैंने इनसे कहा भाई सरकार की तिजोरी में डालने से तो अच्छा हमारे जीजा जी की झोली में डाल दो, इनका भी फायदा और आपका भी फायदा है ना। वो तो ठीक है ज्वाला, मगर मीटर रीडिंग कम करने के लिए। अरे जीजा जी घबराइए मत, मैं आपका साला, मैं चाबी और आप ताला। सेठ जी ये 10,000 रुपए। अच्छा ज्वाला आपके साथ आया तो मैं मना तो नहीं कर सकता। आप निश्चिंत हो जाइए, आपका बिल 2,500 का हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी। सेठ जी मैं रात को भोजन पर आता हूँ आपके घर। सुनिए मैं बाजार जा रही हूँ प्रभात के लिए डफ खरीदने। क्या उसे मदारी बनाओगी है? उसके पढ़ने के दिन है या डफली बजाने के? बच्चा है उसका शौक है तो मैंने सोचा कि मेरा शौक तो एरोप्लेन चलाने का होगा, तो क्या तुम उसे एरोप्लेन खरीद के दोगी? कोई जरूरत नहीं डफली वफली खरीदने की। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। जीजा जी मेरा हाथ कब से खाली है? तो खाली रहने दो साले। जी जी तुमने मूड खराब कर दिया जीजा जी का। जी जी मैं जब भी इस घर में आता हूँ तुम्हारे प्रभात की कुछ ना कुछ मांग जरूर रहती है। तुमने अपने बच्चों के लिए तो कभी कुछ नहीं मांगा, इस सौतेले से इतना प्यार क्यों है? खबरदार ज्वाला, फिर कभी तूने प्रभात को मेरा सौतेला बेटा कहा तो उसके शरीर में मेरा खून ना सही लेकिन मेरी गोद की गर्मी पाकर बड़ा हुआ है वो। सबसे पहले मुझे माँ मेरे प्रभात ने कहा है। प्रभात मेरा सबसे बड़ा बेटा है। बेबी घर चलो, अगर साहब लोगों को पता चल गया कि आप प्रभात के साथ खेलती हैं तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अगर वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे हम उन्हें घर से निकाल देंगे। नहीं बेटे अपने माँ बाप के लिए ऐसी बातें नहीं करते। तुम तो जानती हो मौसी हमें पाने के लिए हमारे मम्मी डैडी ने कितनी पूजा पाठ की और जब भगवान ने हमें भेज दिया तो हमें वो डांटते हैं। अच्छा क्या कहते हैं? कहते हैं प्रभात के साथ मत खेलो, उससे दोस्ती तोड़ दो,
क्यों प्रभात, तुम हमें छोड़ सकते हो कभी? बिल्कुल नहीं, अगर तुम नहीं आओगी तो मेरी डफे कौन नाचेगा? पर ये बात मेरे मम्मी डैडी नहीं समझते है ना। एक बात बोलूं मौसी? बोलो बेटे। प्रभात को हमसे कोई भी नहीं छुड़ा सकता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, चलो अब जल्दी घर जाओ। चलो ड्राइवर, बाय। बहुत तेज लड़की है। मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। अच्छा चलो, अब मैं डफ बजाऊंगा और तुम नाचोगी। मैं? चल चल, मुझे क्या नैना समझ रखा है? ना हो ना मेरी प्यारी माँ, नाचो ना। नहीं बाबा। बेटा कुछ बोलने की कोशिश करो बेटा, बोलो बोलो बोलो। माँ माँ कुछ बोलने की कोशिश करो बेटा। हाँ बोल बेटा। बोलो बेटा, कोशिश करो बेटा। बोल। हाँ हाँ बोल बेटा। बोलो बोलो बेटा। हाँ हाँ बेटा, कोशिश कर, कोशिश कर। बोल बोल बोल, बोलो बेटा। बोल बेटा। माँ बोल बेटा, कोशिश करो बेटा। माँ बोल बेटा, बोल, हिम्मत कर बेटा, बोलो। इसके गले की नसें बहुत बुरी तरह दब चुकी हैं, यह बच्चा अब बोल नहीं सकेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता मेरे बच्चे के साथ। ऐसा नहीं हो सकता। जीजा जी, मैं ज्वाला साला सच्ची बात कहता हूँ, ये तो हो गया जिंदगी भर के लिए गूंगा। अब इससे कोई उम्मीद नहीं रखना, उल्टा ये अब आप पर जिंदगी भर के लिए बोझ हो गया। ज्वाला, बच्चे कभी माँ बाप पे बोझ नहीं होते। ये बच्चा नहीं, पिछले जन्म का दुश्मन है मेरा। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया, अब जीते जी मुझे नोच नोच कर खाएगा। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। ये गूंगा होने के बजाय मनुष्य मर गया होता तो अच्छा होता। क्या बात है राजा? अरे कहाँ लेके जा रहा है? हाँ? प्रभात, प्रभात ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है तू? नहीं बेटा, तुझे मेरी कसम है, नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, तुझे अपनी माँ का भी ख्याल नहीं आया कि मैं तेरे बिना कैसे जीऊंगी? क्या बात है? तू बनना चाहता है, बनना चाहता है ना? तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ मरेंगे। प्रभात, मैं तेरी माँ हूँ, हूँ ना? तो मुझे वचन दे कि आज के बाद तू कभी मरने की बात नहीं करेगा। वचन दे प्रभात, खा अपनी माँ की कसम कि तू कभी ऐसा नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। Yeah, so much.
सरकार का प्रसाद है। क्या बात है? सरकार की बिजली के चोरी के जुर्म में द्वारका प्रसाद ने मनोहर लाल का साथ दिया है। इन्होंने इस काम के लिए मनोहर लाल से रिश्वत ली है। ये झूठ बोल रहा है, मैं इसे जानता तक नहीं। आप मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। अगर मैं चलूं तो? मेरे पास आपकी गिरफ्तारी का वारंट है। भीख मांगेंगे भीख। ऐसा कभी नहीं होगा, कोई भीख नहीं मांगेगा। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। इस साल प्रोडक्शन बढ़ाने में अपनी तरफ से जो मेहनत की है उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। देख कर नहीं चल सकता, बेवकूफ कहीं का। जाने दो, बच्चा है। बच्चा तो क्या, वहाँ आंखें तो है। चौकीदार। यस सर। कल से इसे अंदर मत आने देना। नॉट अलाउड। यस सर। चलिए। इस बंदर के पास मेरी घड़ी है? ओ, गिर गई थी। अच्छा अच्छा, ये लो। अरे ये तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है, रख लो। अरे ओ, नौकरी चाहिए? प्रेम, कल से इसे फैक्ट्री में नौकरी दे दो। सर, ये अभी बच्चा है, फैक्ट्री के कानून के मुताबिक इसे नौकरी नहीं दी जा सकती। प्रेम, कोई कानून किसी की भलाई करने के लिए नहीं रोकता। तुम कल फैक्ट्री आ जाओ, नौकरी मिल जाएगी। ठीक है, कल से फैक्ट्री आ जाना तुम। चलो ड्राइवर, चलो। नमस्ते प्रभात भैया। प्रभात भैया, नैना का फोन आया तुम्हारे लिए। हेलो। हेलो, मैं प्रभात से बात करना चाहती हूँ। फिर प्रभात? अरे क्या बार बार लड़की का फोन तुम्हारे लिए यहाँ आता है? ये फैक्ट्री है, तुम्हारा घर नहीं, समझे? जाओ अपना काम करो। ए लड़की, कितनी बार मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि प्रभात के लिए फैक्ट्री में फोन मत किया करो। खबरदार, अगर आंदा कभी तुमने यहाँ फोन किया तो, समझी? नॉनसेंस। मैनेजर के बच्चे, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। क्या समझता है अपने आप को? क्या कह रही मैडम? टांगे तोड़ दूंगी।
जाऊंगी। क्या बात है बेटी, कहाँ जा रही हो? सामान खींच लूंगी। बुड्ढे खुसर नैना से पंगा, देख लूंगी तुझे, देख लूंगी। क्या हुआ बेबी? कच्चा चबा जाऊंगी। क्या हुआ बेटी? जिंदा गाड़ दूंगी जमीन में, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे उसे। प्रभात, चलो गाड़ी में बैठो। तुम्हारी ड्यूटी अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें मेरे साथ चलना है। चलो बैठो गाड़ी में, चलो कम ऑन, चलो गाड़ी में बैठो। प्रभात बाहर जाओ, हम तुम्हें लेने आए हैं। खबरदार प्रभात। प्रभात बाहर आओ। ए लड़की, प्रभात नहीं जाएगा, समझी? ए मैनेजर, आज सुबह से हम बड़े रोमांटिक मूड में हैं, हमारे रास्ते में मत आना, वरना। वरना क्या कर लोगी तुम? हाँ वरना, छोटा मुंह बड़ी बात, हम तुम्हारी तबीयत बिगाड़ देंगे। ए लड़की हटो यहाँ से। चलो प्रभात बाहर आओ, हमारे साथ पंगा तुझे बहुत महंगा पड़ेगा मैनेजर, देख लो। मिल गया शिकार। मैनेजर के बच्चे, अब तो तुझे मानना ही पड़ेगा। हम तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। ए बदतमीज लड़की, हट जा हमारे रास्ते से। अच्छा, हमसे चीटिंग? Yeah.
बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान, तेरे मेरे बीच में कैसा बंधन हम दोनों अनजान, तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान, तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। नाम हमारा और नहीं कुछ कहता हमको, पागल कहता है जग सारा, पागल कहता है जग सारा। खुशबू ऐसे दिल में तू मेहमान, तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान, तेरे अंदर मेरी जान, मेरे अंदर तेरी जान। Thank you.
रानी निकला कौन है रानी किसको देख रही है तू साला रामखोर तू फिर आ गया मेरी रानी को लाइन मारने के लिए अगर अभी मैं आ जाऊं बंदूक लेके समझता क्या अपने आपको आज मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं जब भी देखो मेरी रानी को लाइन मारने के लिए आता है भाग गया साला डरपोक रामजी बंदूक वाला के सामने कोई टिक सकता है क्या कौन सकता है मेरा नारा क्या कहते मैं तेरे को छोड़ेगा नहीं साला अरे बहराम पहले नारू तो बहुत पछी गोली मार तो जाओ पहले सुकर से जाओ मजाक करे करवा देनी अरे उसमें तेरा क्या गया नहीं जो काम मैं नहीं कर सकता वो दूसरे किसी को नहीं करने दूंगा समझता क्या अपने आप को अरे उबोरे बहराम उबोरे बंदूक फसाई अरे अरे जाओ तेरे को देख लेगा तू एम नो एम परी रे कम से कम मेरी बंदरिया तो खुश होगी अरे मरी गए अरे मारा राजा तू यहाँ शुक्र है जा मजा कर साला मेरी बीवी को किस तरह टटा बेटी तो बेटी बीवी भी गई कहाँ से आ रही हो जवाब किसे चाहिए डैडी आपको ये मम्मी आपको मुझे तो मालूम है बेटी कि तुम प्रभात से मिलकर आ रही हो मालूम है तो पूछा क्यों नहीं ना हाय क्या मजा आ गया उसने मुझे याद चुमा नहीं फिर यहाँ फिर ओ स्वीट मैं तो ना कह रहा था डार्लिंग मत पूछो ऐसे सवाल नहीं पूछते जवान बेटी को लेकिन तुम हो जो मानती नहीं बहादुर मैम साहब जी मैम साहब तुम्हें नहीं साहब को बुलाया था सॉरी मैम साहब डार्लिंग मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि मुझे वीरू कहकर पुकारा करो ओके मिस्टर वीरू आप अपनी बेटी को समझा दीजिए कि आज के बाद वो प्रभात से नहीं मिलेगी सुन लिया बेटी तुम्हारी मम्मी ने क्या कहा आज के बाद तुम प्रभात से नहीं मिलोगी कौन रोकेगा हमें मैं रोकूंगी तुम्हें तुम आज एक आदमी ने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी उसकी ऐसी पिटाई की कि वो जिंदगी भर याद रखेगा यानी चीख चीख कर तुम अपना खून बहुत जलाती हो ये थोड़ा सेब खा लो अपना खून बढ़ा लो अच्छा तो हम चलते इसका कोई इलाज नहीं है अच्छा लेकिन उस गुंगे प्रभात का तो इलाज है ना आहा वुमन यस साइकिल पे आ रहा है जी जी अब देखना मजा वो मेरा टकला जो है ना वो रंग लाएगा ऐसी धुलाई करेगा ऐसे भी ये लोग जिनके सिर्फ मुंह पे बाल होते हैं ना वो बहुत ताकतवर होते हैं अब देखना अरे टकलू तेरा नाम प्रभात है ए, आज के बाद तुम नैना से नहीं मिलोगे मिलेगा तो हम तेरा मुंह तोड़ देगा
सारे टकलो, तू इज्जत का भाजी पाला कर रहा है यार, पैसे दिए तुझे। कितनी बुरी तरह से पिट रहे हैं। कहाँ से उठा लाए तुमने? अरे मारो। ए! गया। सुनो, पूरे पैसे दिए थे कि नहीं? एडवांस पर लेकर गए थे पूरे पैसे। सच्चा ना? निकालो भाग गए। सब भाग रहे हैं। पैसे भी लिए और भाग गए। अच्छा भगवान। क्या कर रहा भैया? पागल तो नहीं है? ऊपर होकर देखो ना, वो गया। क्यों मैं क्यों देखूं? तुम खुद नहीं देख सकते? मैं देखता हूँ। गया, चला गया, जान तो बच गई। जान बची, घर चलो, बचाती हूँ तुम्हारी जान। चलो बताती हूँ तुम्हें, गुंडों से पिटवाओगे। इतने पैसे मुझे दे दिए होते तो मैं उस गुंगे की पिटाई कर दे। हेलो पुलिस स्टेशन। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमें रिपोर्ट लिखवानी है अपने माँ बाप के खिलाफ। जी हाँ, आज उन्होंने हमारे बॉयफ्रेंड की पिटाई की। एरियल नीचे कर। जी क्या? कट जाएगा। उनका नाम? एक मिनट पापा, आपका नाम? मेरा नाम क्या है? मुझे नहीं मालूम। मम्मी आपका? नहीं बताऊंगी। इंस्पेक्टर साहब वो कह रहे हैं कि वो अपना नाम नहीं बताएंगे। ये तुम क्या कर रही हो बेटी? रिपोर्ट लिखवा रहे हैं आप लोगों के खिलाफ। आज आप लोगों ने हमारे बॉयफ्रेंड की पिटाई की। अब आप लोगों पर सेक्शन 307 लगेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसकी कितनी सजा होती है? तू हमें जेल भिजवाएगी अपने माँ बाप को? आप फिर से हमारी प्रभात पर हमला करवाएंगी? बोलिए, वरना अभी पुलिस आएगी, आपको हथकड़ी पहना के ले जाएगी। नहीं नहीं बेटी, तू अपनी कंप्लेन वापस ले ले, प्रभात पे कोई हमला नहीं होगा। जाने दीजिए इंस्पेक्टर साहब। जी हाँ, उन्होंने माफी मांग ली है। अब अगर उन्होंने दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैंने खुद पकड़ कर पुलिस स्टेशन ले आएंगे। थैंक यू। हाँ प्रभात भैया बोलिए। हाँ प्रभात भैया। अरे प्रभात, ये सब क्या उठा के लाया? आज तुझे बोनस मिलने वाला था, कई सारे पैसे तो नहीं लुटा दिए तूने? अब तो क्या हुआ भैया? अरे ये मेरे लिए। सबके लिए भी आता है। अरे ये देख बहना, भैया ने मेरे लिए क्या लाया, पैंट शर्ट। अरे वाह भैया, इसे पहनकर इंटरव्यू देने जाना। थैंक यू भैया। अरे पर क्यों इतना खर्च? ये क्या, इस उम्र में मैं जीवर पहनूंगी? जा वापस लेकर आ, लौटा के पैसे ले आ। जा, अरे पहन भी लो ना माँ। बस दूसरों के लिए करता रहता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। क्या है प्रभात? इसे आज बोनस मिला है ना, तो सबके लिए कुछ ना कुछ ले आया है। लाए वो भी सूती कुर्ता पजामा, इसे तो अच्छा होता लंगोटी लेकर आते। अरे आप फिक्र मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा। नमस्कार। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। नमस्कार ज्वाला बाबू, आओ आओ बैठो। कहिए कैसे आना हुआ? ये मेरा भांजा सूर्या। नमस्ते। अच्छा अच्छा, तू इन्हीं की नौकरी की बात कर रहे थे? अरे भाई हम तो मिनिस्टर के खास आदमी हैं। हमारे पास टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर कलेक्टर तक पहुंचने की सीढ़ी है। कहो तो कस्टम डिपार्टमेंट में लगवा दूं, जहाँ तनख्वाह के अलावा भी ऊपर की आमदनी 25-30 हजार रुपए हो जाया करेगी।
चौबे जी, इसमें खर्चा कितना आ जाएगा? अरे भाई, एप्लीकेशन जॉन जॉन के हाथ से होते हुए ऊपर तक जाएगी, सबको दे दिला के कुल खर्च 5 लाख तो हो ही जाएगा। 5 लाख? मैं हूं ना चौबे जी, मेरा भांजा कल एप्लीकेशन लेके आपके पास आ जाएगा। अरे भाई, एप्लीकेशन को पकाने के लिए तेल और बेसन की जरूरत पड़े है ज्वाला बाबू। चौबे जी, आप चूल्हा तो जलाइए, तेल और बेसन का इंतजाम करके मैं आता हूँ। चल अच्छा, सूर्या। अच्छा। नमस्कार। अरे गंगा की धार, जमुना की धार, हमको दिखे हैं नोटों के हार। अरे जीजा जी, 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह और कम से कम 25,000 रुपए की कमाई ऊपर से। अरे इसीलिए तो मैंने फटाफट हाँ कह दी, बस नौकरी हासिल करने के लिए 5 लाख की रिश्वत देनी पड़ेगी। लेकिन 5 लाख रुपए लाएंगे कहाँ से ज्वाला? सेठ जी, अरे हमारे सेठ जी इस मकान पे 5 लाख का लोन देने के लिए तैयार है। अच्छा, आप बस ये मकान के कागजों पे दस्तखत कर दो। हाँ, लेकिन ये मकान तो प्रभात के नाम पर है, उसी को दस्तखत कर। अरे ये लो, प्रभात भी आ गया। अरे बेटा, कितनी लंबी उम्र है तेरी, अपने सूर्या को 10,000 रुपए महीने की नौकरी मिल रही है। लेकिन भैया, आपके सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी। पेन है? वाह भांजे, क्या बात है, शाबाश। प्रभात, तू साइन नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? अरे जीजी, अपने सूर्या के कैरियर का सवाल है, और फिर मकान तो अपने पास ही रहेगा, ये धीरे धीरे सब पैसे चुका देगा सेठ जी के। नहीं, बहुत अच्छी नौकरी है, प्लीज माँ। तुझे दूसरी नौकरी मिल जाएगी। दिमाग खराब हो गया तेरा? अरे इतनी बड़ी नौकरी क्या रस्ते पर पड़ी हुई मिलती है जो उठा कर लेकर आएगा? अरे अपने बेटे की दुश्मन मत बन, दे दे कागज प्रभात को साइन करने के लिए, दे दे। ये मकान प्रभात की माँ की आखिरी निशानी है, और मेरे जीते जी मैं उसे खोने नहीं दूंगी। अरे बेवकूफ, बना बनाया काम मत बिगाड़, दे दे कागज, दे दे। माँ दे दो ना कागज, भैया का भविष्य बन जाएगा। माँ, घर बेच तो नहीं रहे ना हम, सिर्फ गिरवी तो रख रहे हैं, और मैं वादा करता हूँ मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। प्रभात भैया, मैं पूरी कीमत चुका दूंगा। प्रभात भैया, नहीं सूर्या, नहीं, कभी नहीं। नहीं तो ना सही। जीजा जी, आज के बाद मुझे सूर्या की नौकरी के बारे में कुछ नहीं कहना। मैंने तो सोचा था, मैं ज्वाला साला, मुझे सोचने की। ए सूर्या, ओ सूर्या, तेरी तो किस्मत ही खराब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तेरी खुद की माँ तेरी दुश्मन है, कुछ नहीं हो सकता तेरा। आज के बाद कोई मुझे सूर्या की नौकरी के बारे में नहीं कहना। चलो सेठ जी, आज के बाद ज्वाला इस घर के किसी आदमी के बारे में सोचेगा ही नहीं। प्रभात, तू भोला का भोला ही रह गया रे, कब समझेगा इस दुनिया को बेटा? प्रभात भैया, लगता फ्यूज उड़ गया। जी अच्छा। नाथ साहब, मैंने ट्रक में सारा सामान लोड करवा दिया है, फैक्ट्री का पिछला दरवाजा भी खोल दिया है, मेन स्विच भी ऑफ कर दिया है। अब जल्द से जल्द अंधेरे का फायदा उठाएं और मेरी ईमानदारी की लाज बचाएं। हाँ। वेल डन फेम, वेल डन। थैंक यू। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोगों की वजह से ही हम जैसे लोग आबाद रहते हैं और फैक्ट्री वाले बर्बाद होते हैं। ये लो अपने हिस्से के 5 लाख रुपए। 5 लाख? ऐश करो ऐश। थैंक यू। आइए चलिए। ड्राइवर, तुम माल लेके गोडाउन पहुंचो, मैं निकलता हूँ। यस सर। ओके प्रेम, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Hey,
बहुत स्मार्ट बनता है, मेरे कहने पर भी नहीं रुका। प्रेम क्या हो रहा है? देखिए नजर बाबू, आपका ये वफादार सिक्योरिटी ऑफिसर फैक्ट्री के केमिकल्स चोरी करके भाग रहा था। क्या कह रहे हो तुम? मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, मैं भी चोरी करूंगा। मैंने पैसे लिए, कहाँ वो पैसे, किधर है वो पैसे, बोलो बोलो। मेरे साहब ये बैग मैनेजर साहब ने मशीन के पीछे छुपा के रखा था, मेरे सामने एक आदमी से बैग लिया था ये इन्होंने। अरे ये झूठ बोलता प्रेम, तूने मेरे साथ विश्वासघात करके अपनी किस्मत को लात मारी। मैं तुम्हें क्या से क्या बना देना चाहता था, और तुम इंस्पेक्टर अरेस्ट हिम, मैं इसके खिलाफ चोरी का मुकदमा चलाऊंगा। मुझे गुनहगार साबित करना बहुत मुश्किल होगा राजन बाबू। गूंगे मुझे सजा हुई ना, तो मैंने अगर तुझे आंखों से अंधा और कानों से बहरा न कर दिया तो मेरा नाम भी प्रेम प्रेम चोपड़ा नहीं है। ले जाओ इसे। आपकी बेटी आपसे मिलने आई है। बेटी तुम यहां? सिर्फ इतना जानने के लिए कि आपको इन सलाखों के पीछे किसने ढकेला। उस हरामजादे गूंगे ने जो हमारी फैक्ट्री का सिक्योरिटी ऑफिसर है, प्रभात। प्रभात पापा, अब आप देखते जाइए कि आपकी बेटी क्या क्या कुल खिलाती है। प्रभात, तुम्हारे माता पिता हैं घर में? जी मेरा नाम राजन है। आप राजन साहब है? जी मैं द्वारका प्रसाद। बैठे ना। बैठिए। धन्यवाद। प्रभात ने आपको बताया नहीं होगा, कल रात इसने फैक्ट्री में लाखों रुपए की चोरी पकड़ी है, और मैं इससे इतना खुश हूं कि फैक्ट्री की मैनेजमेंट इसे सौंपना चाहता हूं। अब ये सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं, राजन केमिकल्स का मैनेजर होगा। क्या बात कर रहे हैं आप, मैनेजर? ये तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। द्वारका प्रसाद जी, पढ़ाई लिखाई के लिए फैक्ट्री में क्लर्क्स और अकाउंटेंट्स बहुत हैं। दरअसल मैं बाहर जा रहा हूं अपना काम बढ़ाने के लिए, जिसके लिए मुझे अक्सर देश से बाहर रहना पड़ेगा। इसलिए मैं अपनी फैक्ट्री की मैनेजमेंट प्रभात जैसे होनहार, ईमानदार और भरोसे वाले आदमी पर छोड़कर जाना चाहता हूं। बहन जी, 15 साल से ऊपर हो गए प्रभात को मेरी फैक्ट्री में काम करते हुए, उसने एक बार भी मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। ये सूर्या है, प्रभात का छोटा भाई। अच्छा, बीकॉम फर्स्ट क्लास पास है। तुम्हारी जगह इसे नौकरी दे दो। ठीक है सूर्या जी, तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं 100 बार सोचता, लेकिन प्रभात तुम्हारा भाई है, तुम्हारा सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये है। मैं जल्द ही फॉरेन जा रहा हूं, तुम कल ही आकर चार्ज संभाल लो। मैं फैक्ट्री की पावर ऑफ अटॉर्नी तुम्हें दे जाऊंगा, ताकि तुम मालिक बनकर काम कर सको। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। नमस्ते। अरे माँ, माँ तूने ठीक कहा था, देखो ना मुझे कितनी अच्छी नौकरी मिल गई।
अरे थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। चंदा कैसी हो? अरे ये पीछे शोर क्या मच रहा है? सूर्या भैया को नौकरी मिल गई है। सच? अरे वाह, जरा सूर्या को फोन दो। हाँ सूर्या भैया। Excuse me, हाँ ना बोलो। मुबारक हो सूर्या। थैंक यू मेरी होने वाली भाभी। अच्छा सुनो, यहाँ पे एक बहुत ही जाना पहचाना सा चेहरा तुमसे बात करने के लिए बहुत बेचैन हो रहा है। बेचैन? सूर्या। हाँ बोलो भाभी। जरा उस बेचैन को फोन दे ही दो। हाँ उसे बात करनी है। और पक्का? क्यों जी अकेले अकेले खुशियां मना रहे हो, हमें भूल गए क्या? तो फॉरेन लेक पे आके हमें मिलो। लेक पर? चले। कहाँ जा रही हैं आप इतनी बन ठन के? ओ गॉड, ये घिसा रिकॉर्ड कब तक बचता रहेगा? कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है? मैंने पूछा। छोटा मुंह बड़ी बात, हम इश्क करने जा रहे हैं। चलोगी? ए लड़की, ये तेरी उम्र है इश्क करने की? मेरी नहीं तो क्या तुम्हारी है? तू जानती भी है इश्क क्या होता है? हाय इश्क, इश्क में पहले आंखें मिलती है, फिर दिल मिलते हैं, फिर दोनों के शरीर करीब आते हैं, और फिर बाय। नैना, हम पर गोली चलाएंगे? हाँ नहीं नहीं बेटी, हम आप पे गोली कैसे चला सकते हैं? ये देखो बंदूक भी खाली है। क्या है कि खाली बंदूक भी कभी कभी चल जाती है, इसीलिए हम आपको हटने के लिए कह रहे थे। वैसे आप जा कहाँ रही हैं? मैं प्रेम गली। प्रेम गली? बाय बाय। प्रेम गली ये कौन से मोहल्ले में आती है? प्रेम गली?
मम्मी ने पूछा कहाँ चली, डैडी ने पूछा कहाँ चली, कहाँ चली कहाँ चली, चली चली प्रेम गली। देखी मेरी चतुराई, मैंने आपकी शादी की रकम बचाई, दुल्हन दूल्हे के साथ सीधी घर में आई। ये क्या बकवास कर रहा है ज्वाला? करोड़पति खानदान की बेटी है, समझा करो। साक्षात लक्ष्मी है। लक्ष्मी सूर्या, पिताजी के बैठो। प्रणाम पिताजी। तुम भी बैठो। जीती रहो, जीती रहो। पिताजी आई एम सॉरी, लेकिन आपसे पूछे बगैर ही हमने शादी कर ली। सूर्या, ये क्या है सूर्या? I'm sorry माँ, मैं मजबूर था, शादी नहीं करता तो मुश्किल। कल ही डॉक्टर ने बताया कि मैं सूर्या के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या माँ? बिना शादी किए माँ? सूर्या ये, I'm sorry माँ, और कोई चारा नहीं था। इसीलिए मैंने इन दोनों को सलाह दी कि कोर्ट में जाके शादी कर लो। तू समझता नहीं है। अरे जीजी, आजकल ये सब चलता है। इस घर में नहीं चलेगा ज्वाला। अभी घर में बड़ा बेटा कुंवारा बैठा है और छोटा शादी कर ले तो लोग क्या कहेंगे? अरे जीजी, जब मैं ज्वाला साला कुछ नहीं बोला तो कौन साला कुछ? गंगा, मैं दोनों बेटों का बाप हूँ, मेरी मर्जी, जिसकी शादी पहले करना चाहूँ करूँ। तुम्हें तो पूछने कोई नहीं आएगा, लोग तो मुझे ही पूछेंगे ना। दुनिया की नजर में मैं प्रभात की सौतेली माँ हूँ और वही रहूंगी। मैं दुनिया के ताने नहीं सह सकती। तो ठीक है, जहाँ हमारी इज्जत नहीं होगी हम वहाँ नहीं रहना चाहेंगे। हम पापा के घर चलेंगे सूर्या। चलो। नहीं, नहीं बेटे। गंगा बेटा चलो। भैया हम दोनों ने शादी कर ली। भैया माँ नहीं चाहती के देख
तू बीच में मत बोल। मैं वेलकम भाभी। शादी मुबारक हो बेटी। आपको भी पापा। पापा सूर्य से शादी मेरे इंतकाम का पहला कदम है। उस प्रभात ने आपको जेल भिजवाया, मैं उसकी जिंदगी हराम कर दूंगी। शाबाश, आखिर तू प्रेम प्रेम चोपड़ा की बेटी है। पापा डायन तो सात घर छोड़ के वार करती है, लेकिन मैं वो डायन हूँ जो सबसे पहले अपने ही घर को खा जाऊंगी। अब आप देखते जाइए कि कैसे कैसे सारे घर के लोग मेरे इशारों पर ब्रेक डांस करते हैं। भाभी, तुम मुझे ये कहाँ ले आई हो? अगर घर वालों को पता चल जाए तो? जानू, घर वालों को मार पूरी, अपने फ्यूचर की सोच। मैं तुझे किसी बड़े घर की बहू देखना चाहती हूँ, जहाँ जिंदगी का हर सुख तेरे कदम छूए। ये अमीर लोगों का क्लब है और यहीं से तुझे अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। हाय मर्जी। हाय। चल, तेरी तकदीर ने खुद ही पुकारा है तुझे। करोड़पति खानदान का लड़का दोस्ती कर लेना। हाय अनु। चंदा, वाओ, तुम तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो। Come on, let's move. Yeah.
क्या हुआ? क्या चंदा, तू होटलों में नाचती है? शराब पीती है? कब से? किसके साथ गई थी बता, किसके साथ गई थी बोल। हाँ, मेरे साथ। मैं चंदा को होटल में लेकर गई थी। क्यों? कोई गुनाह कर दिया मैंने? मैं चंदा को मॉडर्न सोसाइटी की लड़की बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसकी शादी किसी बड़े घर में किसी अमीर आदमी के साथ हो। तो इसमें क्या बुरा लगता है आपको? हा? बुराई बड़ा बनने में नहीं बहू, बुरा बनने में है। लड़कियों का इस तरह होटल में जाके नाचना कोई अच्छा। तू कभी होटल नहीं गई, इसका मतलब ये नहीं कि तेरे बच्चे भी होटल न जाएं। आप जानते हैं वहाँ सब नशा करते हैं और लड़कियाँ। कौन कहता है कि नशा करना बुरी चीज है? सासू जी, इसे नशा मत कहिए। अरे ये तो एंटरटेनमेंट है। और फिर ऐसी ही जगह पर जाकर बड़े लोगों से पहचान बढ़ती है, मुलाकातें होती हैं, जिंदगी में आगे बढ़ने के चांसेस मिलते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ प्रभात भैया को ये सब पसंद नहीं, और वो क्यों पसंद नहीं ये भी मुझसे छुपा नहीं। आखिर सौतेले है ना, सौतेलों की तरक्की कैसे देखी जाएगी इनसे? बहू, प्रभात ने जो सूर्य और चंदा के लिए किया है के सगे बाप ने भी नहीं किया। खुद स्कूल नहीं पढ़ा लेकिन इन्हें कॉलेज तक पढ़ाया। खुद भूखा सोया है लेकिन कभी इन्हें भूखा नहीं सोने दिया। इसने इतना सा था मेरा प्रभात, तब से लेकर आज तक मेहनत मजदूरी कर रहा है हम सब के लिए, और तुम इससे सौतेला कह रही हो, इसे पराया बना रही हो। अरे फैक्ट्री में सूर्या को अपनी जगह नौकरी भी मेरे प्रभात ने दिलाई है, वरना उसकी क्या। देखो माँ, ये नौकरी मुझे जरूर प्रभात भैया की वजह से ही मिली है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि मैं इस नौकरी के काबिल नहीं। वैसे अगर भैया चाहते हैं कि मैं ये नौकरी छोड़ दूं, तो कल ही इस नौकरी से रिजाइन करने को तैयार हूं मैं। अरे वाह, प्रभात भैया के कहने पर तुम नौकरी छोड़कर इनको तो तुम राम का दर्जा दोगे, लेकिन इसे पूछो इन्होंने कभी तुम्हें लक्ष्मण समझा? लक्ष्मण से भी ज्यादा बहू। एक मिनट जीजी, एक मिनट। देखो जीजी, एक बात तो साफ है, प्रभात सूर्या से बड़ा है, और ये कभी भी नहीं चाहेगा कि इससे छोटा जिंदगी में इससे ऊंचा आ जाए। एक बात तुम सब सुन लो। देखो मां, अनु का अपमान मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, और अगर अनु ने चंदा के लिए कुछ भला करने की कोशिश की तो कोई गुनाह नहीं किया उसने। चंदा मेरी बहन है। और हमारी कुछ नहीं, तुम जो सोचो वो ठीक है, हम सोचे वो गलत है। ये सोच सोच का फर्क है मां, आपकी और प्रभात भैया की सोच कुछ पुरानी हो चुकी है, जितनी जल्दी बदल दो बेहतर होगा। चलो अनु। सूर्या ठीक कहता है जीजी। का घर? जी मैडम। अंदर जाकर कहो अनु से कि उसकी दीदी आई है हांगकांग से। अच्छा मैडम। दीदी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे अचानक कैसे आना हुआ बिना बताए? तूने शादी कर ली बिना बताए? शादी को तो सिर्फ 7 महीने हुए हैं, कहीं तू भी मेरी तरह शादी से पहले ही ना। चलो संभल के। और बता, हांगकांग में कैसे चल रहा है? बस अच्छी दीदी। अच्छा ये देख, मैं तेरे लिए क्या क्या लाई हूँ। ये सूट तेरे हाथ में। वाव दीदी, ये ड्रेस तेरे लिए। व्हाट अ कलर। और ये साड़ी भी तेरे लिए। क्या दीदी, तू तो जानती मैं साड़ी नहीं पहनती। अब ये साड़ी मैं वापस कहाँ ले जाऊंगी? तेरे होने वाले बच्चे के नाम पे मैं साड़ी तेरी नौकरानी को दे देती हूँ। ए भाई, ये ले। आ, 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 आ,
प्रभात भैया ये मेरी बड़ी बहन है, गलती तुम्हारी माँ की है, वो अगर नौकरान जैसे कपड़े पहनेगी तो लोग उसे नौकरान समझेंगे ना। कंग्रेचुलेशन, लड़का पैदा हुआ। बिल्कुल अपने बाप पे गया है, लेकिन इसकी नाक बिल्कुल अनु जैसी है। नहीं नहीं बच्चा मुझे दे दो। अरे ये क्या कर रही हो, बच्चा क्यों छीन लिया? हमारे यहाँ नए बच्चे को किसी लूले लंगड़े गूंगे बहरे के हाथ नहीं देते हैं, बड़ा अपशकुन माना जाता है। क्या कह रही हो? समझते हैं, तुम अपने सारे दर्द सारे गम हमें दे दो। हाँ। अब गमों और दुखों के सिवाय इसकी किस्मत में बचा ही क्या है। प्रभात, मैं तो 15 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर आ गया हूं, लेकिन अब जो सजा मैं तुम्हें दूंगा तेरी किस्मत भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नीच कमीने, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। तू मुझे मारेगी? हाँ तेरी ये हिम्मत। तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं। मैं सूर्या की बीवी अन्नू का बापू। तूने मेरा धन तोड़ा है, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। माजी, ए अंधी हो क्या? ये घर है बाग बगीचा नहीं, जो मुंह उठाए दौड़ी चली आ रही हो। मुंडी नीचे। क्या, एक तो पिताजी की शराब की भरी हुई बोतल तोड़ दी और ऊपर से मेरे मुंह लगती है तू? अब समझ गई, तुम अनुई हो सकती हो। बहू ससुर को दूध लस्सी की जगह सुबह सुबह शराब पिला रही है। वाह, लोग घर में आई बहू को अन्नपूर्णा गुणपूर्णा कहते हैं, लेकिन तुम तो अवगुणपूर्णा घृणापूर्णा हो। शट अप, आखिर तुम हो कौन? हा, हम उम्र में तुमसे छोटे हैं मगर रिश्ते में तुमसे बड़े हैं। हम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हैं। ओहो, तो आप ही है वो नैना। नाम नैना रख लिया और नैनों की चोटी खोदी। वैसे भी अंधी और गूंगे की क्या जोड़ी रहेगी। वाह, पत्नी अंधी, पति गूंगा और बच्चे, बच्चे तो होंगे लूले लंगड़े। बोल, फिर
फिर से बोल। और बच्चे होंगे लूले लंगड़े। मेरे प्रभात का मजाक उड़ा दी तू, उसे गुंगा बोल दे। गलती तेरी थी बहू। नैना जाने दे बेटा, जो हो गया उसे भूल जा। तेरी किस्मत अच्छी थी कि माँ जी बीच में आ गई। नैना एक बात सुन ले, फिर मेरे प्रभात को गूंगा कहाँ चीर के रख दूंगी। नैना हम तो ये सत्यनारायण का प्रसाद लेते तुम्हारे लिए, लेकिन ये स्वरूप नका हमसे टकरा गए। अनु, अरे अनु कहाँ हो तुम लोग? अनु अनु यार पता है ऑफिस में क्या हुआ आज? अनु अनु क्या हुआ? हाँ मुन्ना, अनु क्या हुआ? अनु क्या हुआ बताओ ना। ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? जाकर पूछो अपनी माँ से, उसी के शह पर करके गई है वो। वो कौन? वही जो इस घर की बड़ी बहू बनने वाली है। नैना वो कौन होती तुम्हें मारने वाली? माँ माँ क्या बात है सूर्या? माँ नैना की हिम्मत कैसी हुई कि अनु के ऊपर हाथ उठाए? वो मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो बाहर गई हुई थी। जब वापस आई तो देखा कि ये दोनों आपस अच्छा, में एक दूसरे। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि नैना अनु को मार रही थी और आप बस तमाशा देखते गए। सूर्या नहीं माँ, इस घर में क्या सब लोग अनु के दुश्मन हो गए? ऐसा क्यों बोलता है? तो फिर बेटा सूर्या क्या हुआ, क्या बात है? आपको नहीं मालूम? नहीं। अरे आपको कैसे मालूम होगा, आप बस अपनी शराब पीते जाइएगा, आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इस घर में कोई जिए हमारे आपको क्या फर्क पड़ता है? देखो माँ बहुत हो गया, आज तक सब कुछ जानकर भी मैं खामोश रहा हूँ। अरे मेरे साथ तो बचपन से ही अन्याय होता रहा है और मैं सहता रहा हूँ। क्या अन्याय हुआ है तेरे साथ? अरे छोड़ो ना माँ, मुझे तो तुमसे अपने हिस्से का प्यार तक नहीं मिला, क्या ये अन्याय नहीं? सूर्या नहीं माँ सुनो, और आज नैना अनु के ऊपर हाथ उठाकर चली गई, वो भी तुम्हारे आंखों के सामने और तुम देखती रही, क्या ये अन्याय नहीं? ये अन्याय तो यहाँ पर रोज होता रहेगा सूर्या, वो इस घर की होने वाली बड़ी बहू है। इस घर में तो उसी की इज्जत होने वाली है सूर्या। अरे वो यहाँ बहू बनकर आई नहीं तो मेरा मुंह नोच लिया। अनु आएगी तो मुझे कच्चा चबा जाएगी। सूर्या सूर्या मुझे मेरी यहाँ मौत दिखाई दे रही है। सूर्या मुझे यहाँ मेरी मौत दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ से दूर ले चलो। कैसी बातें कर रही हो अनु, तुम भी इस घर की बहू? टच मी, मुझे मत छुओ, मत छुओ मुझे, मैं तो पापन हूँ, दुश्मन हूँ इस घर की। अनु अनु ऐसी बातें मत करो, मत करो, क्यों बात को बढ़ाती हो? सुना तुमने सूर्या, बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। मुझे तुम्हारा ये दिखावा नहीं चाहिए, तुम माँ बेटे दोनों मिले हुए हो, तुम नहीं चाहती कि यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से जिए। तुमसे ना सूर्या की खुशी देखी जाती है, ना चंदा की और ना मेरी। और सूर्या सच बात तो ये है कि तुम्हारी माँ ने ही प्रभात को मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं जब से यहाँ शादी करके आई हूँ तुमने मुझे कभी अपनी बहू नहीं माना, तुम मुझसे हमेशा नफरत करती हो, यहाँ तक कि मेरे बच्चे को भी बचने का नाम दे दिया तुमने। ये झूठ है अनु। सूर्या बेटा मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं, भगवान गवाह है कि मैंने इसे कभी। भगवान को गवाह बनाकर दिल का मैल साफ नहीं होता सासू जी, तुम्हारा दिल गंदा है, तुम्हारी आत्मा गंदी है, यहाँ तक कि तुम मां कहलाने के लायक ही नहीं हो।
प्रभात, अपने छोटे भाई की पत्नी पर हाथ उठाते शर्म नहीं है तुम्हें? सुंदरिया, आज ये फैसला होकर रहेगा कि इस घर में प्रभात रहेगा या मैं। क्या तो मेरा फैसला भी सुन लो, ये घर प्रभात का है और उसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। पापा, पापा देखो ना। रो मत बेटी, रो मत। मैं जानता था तुम्हारे साथ एक न एक दिन ये होने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे घर का इंतजाम करके आया हूँ। ये लो बंगले की चाबियां। बंगला? हाँ, ये मेरे दोस्त नाथ साहब का है, तुम दोनों जब तक चाहो वहां रह सकते हो। यस बाबा, बाबा हम दोनों अभी निकलते हैं। यस बेटी, ऑफ कोर्स, यस, गेट रेडी। सूर्या, पैकिंग में मेरी हेल्प नहीं करोगे? सूर्या बेटे, चंदा तुम यहाँ रहना पसंद करोगी या हमारे साथ हमारे बंगले पर चलोगी? भाभी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। गुड चंदा। पिताजी, आप भी हमारे साथ चलेंगे ना? बेटे, ये घर सिर्फ प्रभात का है, यहाँ सिर्फ प्रभात रहेगा, हम सब सूर्या के साथ रहेंगे। कहा था ना, तूने मेरा दान तोड़ा है, मैं तेरा घर तोड़ दूंगा। पर खुदार, अभी अभी तुझे शुरुआत है, आगे आगे देखना होता है क्या। चलो ना। गंगा, चलो मेरे साथ। मैं प्रभात को नहीं छोड़ सकती। तो क्या अपने पति को छोड़ दोगी? मैं नहीं छोड़ के जा रही हूँ, तुम सब मुझे छोड़ के जा रहे हो। मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? बता दी इसको, आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तुम्हारे लिए। चलो। सुना है फैक्ट्री का मालिक अफ्रीका में है और पूरी फैक्ट्री सूर्या के हवाले है। हवाले नहीं आंटी, अब ये फैक्ट्री तो हमारी समझो। रखवाला तो ये है जीजा जी, जिसकी वजह से अपने सूर्या को ये बंगला मिला है। अरे ज्वाला, सूर्या को ये बंगला मिलेगा जरूर, लेकिन उस दिन जिस दिन केमिकल फैक्ट्री के आधे शेयर मेरे नाम होंगे। अरे नाथ साहब, क्लियर कट बात है, जब फैक्ट्री की पावर ऑफ अटर्नी ही अपने सूर्या के पास है, सारे शेयर्स अपने ही समझिए ना। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये होगा कैसे? अरे साने लो, अभी तुम बच्चे हो। भांजे, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब चाहिए ना, हाँ चाहिए ना, तो इसके लिए तो ये सब करना ही पड़ता है, फ्रॉम हेयर टू देयर। बिल्कुल ठीक कहा तुमने ज्वाला, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या है वो? वो साला वॉच डॉग ये करने देगा? कौन वॉच डॉग? अरे वही सेठ जी का वफादार कुत्ता प्रभात। मामा जी, उसने अपनी वफादारी से सेठ जी को तो शीशे में उतारा होगा, लेकिन शीशा तोड़ना हमें भी आता है। हे भगवान,
ये सब तेरे साथ ही क्यों होता है प्रभात? देखो, अरे ये क्या हुआ? क्या बताऊं, जब भी ये इस परिवार को बचाने जाता है ये जख्मी हो जाता है। अब देखो ना, इस परिवार की तस्वीर ने भी इसे जख्मी कर दिया। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, आज हम ऐसी खुशखबरी लाए हैं जिसे सुनकर आप अपने सारे दर्द भूल जाएंगी। ये देखिए, ये क्या है? ये जर्मनी के ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर मोरिन का अपॉइंटमेंट है, सिर्फ 4 दिन के लिए इंडिया है। उसके असिस्टेंट ने तो अपॉइंटमेंट देने से मना कर दिया था, फिर लेकिन हम रुकने वाले में से थोड़ी है, हमने सीधा उसका गला पकड़ लिया और बोला, देखो ये हमारे लिए जिंदगी और मौत का सवाल है। हमने इसे यूं धक्का दिया और सीधा पहुंच गए मोरिन के कमरे में, मोरिन के बेल पकड़ लिए और कहा, डॉक्टर साहब हमें अपॉइंटमेंट चाहिए, हम अपने प्रभात को बहुत चाहते हैं, अगर उसकी आवाज वापस नहीं आई तो हम अपनी जान दे देंगे। आई कमिट सुसाइड। डॉक्टर साहब घबरा गए, व्हाट, यू विल कमिट सुसाइड? और उन्होंने झट से अपॉइंटमेंट दे दी और शायद कल परसों ऑपरेशन हो जाए। लेकिन बेटे, इतने बड़े डॉक्टर की फीस हम कहां से दे पाएंगे? तुम फीस की फिक्र मत करो माँ जी, मेरे बाप की तिजोरी जो है। बेटी, तुम इतने पैसे लेकर कहां जा रही हो? हमें प्रभात के ऑपरेशन के लिए ये 50,000 रुपए चाहिए। हमारे ये पैसे उस गुंगे पे लुटाने के लिए नहीं है। खबरदार जो हमारी प्रभात को गुंगा कहा, हम उसकी आवाज वापस लाएंगे। बिना पैसे कैसे इलाज करती हो, मैं भी देखती हूँ। पैसों के लिए नैना को चैलेंज मत करो, हम प्रभात के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। शोभा, अरे नैना तू यहाँ कैसे? बस काम ही कुछ ऐसा निकला। अच्छा सुन, तेरा शो कब है? आज रात को। क्यों? हमें 50,000 की जरूरत है, आज तेरी जगह हम शो कर सकते हैं? क्यों मजाक कर रही है, तुझे और पैसों की जरूरत? बस काम ही कुछ ऐसा है जो हम अपनी कमाई से करना चाहते हैं। ठीक है, आज का शो भी तेरा, आज के शो की कमाई भी तेरी, बस। शोभा, यू आर ग्रेट। पैसे कमाऊंगी। अरे जो माँ बाप के खिलाफ जाता है ना, उसका यही हाल होता है। और क्या? शाम पिया की बंसी के बिन क्या राधा का गीत, शाम पिया की बंसी के बिन क्या राधा का गीत, नैना तुझको ढूंढ रहे हैं ओ मेरे मन में। मजबूर हूँ मैं तो गम ना कर, मैं आँखों से गाऊंगा, मैं आँखों से गाऊंगा।
चांदी ना पैसे का ये काम है, ना सोना ना चांदी ना पैसे का ये काम है। दिल का सौदा करना है तो क्या करना है तो प्यार इसका नाम है। ना सोना ना चांदी ना पैसे का ये काम है, ना सोना ना चांदी ना पैसे का ये काम है। दिल का सौदा करना है तो क्या करना है तो प्यार इसका नाम है। प्यार इसका नाम है। डॉक्टर मैडम इट्स टू लेट मेडिकली इट्स नॉट पॉसिबल आई एम सॉरी। लेकिन डॉक्टर मैडम अगर बचपन से ही कोशिश की गई होती तो शायद ये बोल सकता था मगर अब कोई उम्मीद नहीं सॉरी। प्रभात प्रभात देखा हमने कहा था ना दो दिन बाद तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है तुम्हारी आवाज वापस आ जाएगी और फिर तुम बोलोगे नैना तेरे बिना ना चैन आया हमें। ओ नैना तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो हम शर्मा जाएंगे। वैसे तो हम शर्माते नहीं लेकिन जब तुम्हारी आवाज आएगी तो हम जरूर शर्माएंगे।
आपके सारे दांत गिर गए या आपने निकलवाए? निकलवा दिए सारे। अरे देखो देखो दुल्हन आ गई। अरे बेटी तू आ गई। अच्छा जल्दी जाके तैयार हो जा, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। आज तेरी शादी है। आज तेरी शादी है। शादी? ये क्या मजाक है? हाँ ये क्या मजाक है? मजाक नहीं बेटी, आज तेरी शादी है। दिमाग तूने फिर गया तुम्हारा मम्मी? दिमाग तो तेरा फिर गया जो उस गुंगे के साथ शादी करना चाहती है। बड़ी पुलिस की धमकियां दे रही थी हमें, अब एक पुलिस वाला ही तेरा दिमाग ठीक करेगा। पुलिस वाला? कौन पुलिस वाला? गुलशन गुली बेटे। ये मेरी बेटी नैना है। हेलो बोलो। हाय, मेरा नाम गुलशन है, इंस्पेक्टर गुलशन कुमार। बस यही है तुम्हारा होने वाला पति? कोई पति वती नहीं। और ये बात अपने दिमाग से निकाल देना कि हम आप लोगों के पसंद के साथ सती हो जाएंगे। हमारे फैसले के बिना हमारी शादी कोई नहीं करवा सकता। नहीं, माँ बाप करवा सकते हैं बेटी। और ये बात अपने दिमाग में डाल दो कि ये हमारा आखिरी फैसला है। अच्छा तो आज हम भी अपना आखिरी फैसला सुना देते हैं। जय हो। अब क्या होगा? क्या कहती है बहू? अभी तक बचपना नहीं गया। कहती है अपना अपना फैसला खुद करूंगी। वो क्या है, लाड़ प्यार में पली है ना, इसकी गुस्से की जरा तेज है। दिल की साफ है, अभी शादी का जोड़ा पहनकर नीचे आ जाएगी। आप लोग चल रही है, आइए ना प्लीज। बैठो। यूं खंबे की तरह क्यों खड़े हो? गुलकंद, गुलखैर, गुलरेज, गुलखा, क्या नाम है? ठीक है जो भी है, चलो बैठो बैठे। देखा मैंने कहा था ना, शादी का जोड़ा पहनकर आएगी। देखना चाहते हैं ना? अब हम ऊपर से नीचे तक सुहागन बन गए। अब आप लोग ये जानना चाहेंगे कि हमने ब्याह किसके साथ किया है। जीते रहो, तू तो ना हो पू तो भलो। आओ आओ बेटा।
अरे ताका जाकर छे के नहीं चेहरा जोर से। अरे ये हर लेके क्यों आया इधर? साले की इतनी हिम्मत, अरे मैं इसको छोड़ूंगा। अरे मेरा बैठ जा। अरे मेरी बात तो समझ। अरे अपने अरे मेरा समझ तो करो। व्यवस्था क्या है मेरा? अरे तू जाने दे। आज तो मैं इसका खात्मा कर डालेगा। मार डालेगा। नहीं मारेगा। मार डालेगा। नहीं मारेगा। किधर है? नहीं तो नारा खींच के भाग जाएगा बदमाश। किधर है? किधर है? साला अंदर से बंद किया है। तेरा इतना हिम्मत साला बंदर चोर। अरे वाला राजा दिख रहा। हाउ स्वीट। हॉल बनाने वाला है। चल हट। अरे बड़ी रानी दिख रही। जल्दी जल्दी हॉल पहनाऊंगी। हाउ स्वीट। है हॉल पहना दिया। चल हट। है अभी क्या करने वाला है? ये साला सिंदूर डालने वाला है। चल हट। अरे राजा जल्दी सिंदूर डाल। और डाल। अरे और डाल। ओह स्वीट। सिंदूर डाल दिया। फैंटास्टिक। शादी हो गया। रानी दुल्हन बन गई। मेरा डिग्री मेरे हाथ से निकल गया। मैं मन ले मैं बदनाम हो गया। रामा 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 हाय रामा 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 ओ रामा 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 हाय रामा रामा मेरी हालत है खराब रामा रामा किस किस को दूंगी जवाब रामा रामा ताने मारेगा जान मुश्किल में गया।
संभल के नीचे रख, चढ़ जा ले ऊपर और ऊपर बस। अब ये करोड़ों की फैक्ट्री हम सब चोरों की है। अब मेरा मतलब है हम सब चारों की है। मुबारक हो भांजे, चलो 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 आइए सर। आज से इस फैक्ट्री के मालिक बदल गए। तुम्हारी नौकरी खत्म, अब तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे आज से ये ऑफिस हमारा है। ये अब इसकी जगह यहाँ नहीं, बाहर है। अरे ये यहां कैसे आ गए? निकलो यहां से, निकलो यहां से। नॉट अलाउड। आज से तुम्हारी एंट्री फैक्ट्री में बंद है। आज से ये फैक्ट्री हम चारों की है। ये फैक्ट्री अब हम सब की है। S for Surya, P for Prem, N for Nath और J for Jwala। आज से तेरा मामा भी इस फैक्ट्री में बराबर का हिस्सेदार है। Out, bus, get out। अकेले सूर्य ने नहीं, हम सब ने राजन की पीठ में सूर्य भोका है। यही है वो आदमी जिसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मैंने अपनी बेटी की इज्जत बचाने की कोशिश की। ये देखिए क्या हालत की है इसने। इंस्पेक्टर साहब, इसमें बदहवासी का भूत सवार है। इसे थाने ले जाइए और मार मार के इसका भूत उतार दीजिए। बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था प्रभात राय, पुराना हिसाब चुकाना है तुझसे। शाबाश, तूने तो कमाल कर दिया। मुझे एक बात का शक था, अब यकीन आ गया है कि वाकई तुम्हारी बेटी है। इतनी बड़ा सूर्या माँ, मत कह मुझे माँ। ना शुक्र एहसान फरामोश, शराफत के खून का अगर तेरे रगों में एक कतरा भी बाकी है तो बता, पता मेरे प्रभात के साथ तूने ऐसा क्यों किया? क्यों किया सूर्या? जवाब दे, जवाब दे। जवाब मैं देती हूँ, पूछो क्या पूछना है। तेरे तो मुंह लगना भी पाप है कलंकिनी। मेरे प्रभात पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए तेरी जबान क्यों नहीं चल गई? तेरी आत्मा क्यों नहीं कांप उठी? अरे शर्म से जमीन में गड़ क्यों नहीं गई तू? चिल्ला मत, ये इज्जतदार लोगों का घर है। अरे इज्जत ही तो बेच खाई है तुमने अपने देवता समान। देवता तो तुमने उसे बनाए रखा है माँ, हमारे लिए वो दुश्मन है। दुश्मन हमारे सुख चैन का, दुश्मन हमारी खुशियों का, दुश्मन हमारी तरक्की का, दुश्मन। वाह बेटा वाह, तू उसे दुश्मन कह रहा है जिसने तुझसे कभी कुछ नहीं लिया, जिंदगी में बस दिया ही दिया है। उसने तुझे प्यार दिया, पढ़ाई दी, नौकरी दी, इस मकाम पे लाके खड़ा किया, तू उसे दुश्मन कह रहा है? तू जैसे, अरे ठीक कह रही है, मेरे लिए तो पैदा ही दुश्मन हुआ था।
जन्म लेते ही मेरी बीवी को खा गया। और कितनी अच्छी थी मेरी वो बीवी, और एक तू है जिसने अपने पति को छोड़ दिया। तू बीवी कहलाने के लायक नहीं, चल निकल जा यहाँ से, निकल जा, तेरा उद्दमा हो जाए यहाँ से। जा रही हूँ, लेकिन एक बात सुन लो तुम सब, जिस तरह तुमने मेरे प्रभात का दिल दुखाया है, उसे तड़पाया है, भगवान तुम्हारा दिल उससे ज्यादा दुखाए, इतना तड़पाए तुम्हें कि तुम तंग आकर भगवान से मौत मांगो और वो मौत भी न दे तुम्हें। राम दादी, अपनी कोख को गाली देती है, अपनी संतान की मौत मांगती है तू? अरे माँ तो अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है, और तू? आज मेरा आशीर्वाद शाप बन गया है तुम सबके लिए। निकल जा यहाँ से, निकल जा, कभी अपना मुंह भी मत दिखाना समझी, चल निकल जा यहाँ से, निकल जाओ, अपने बच्चों को शाप दे दिया तू, चल निकल निकल। ये तो प्रभात भैया की माँ है, है? चलो इन्हें हॉस्पिटल ले चलते। डॉक्टर साहब, बाजी, बाजी हौसला रखिए, अब ठीक हो जाएंगे। बाजी, आप घबराइए मत, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ माँ जी, हम अभी प्रभात को लेके आते हैं। डॉक्टर साहब, माँ जी का ख्याल रखिए। तेरी वजह से मेरी जितनी बेइज्जती हुई है उसका बदला मैं गिन गिन कर लूंगा। सर, ये मिलने आई हैं। महफिल में जल उठी शमा परवाने के लिए। इंस्पेक्टर साहब, प्रभात की माँ हॉस्पिटल में है, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और वो उनसे मिलना चाहती है। तबीयत तो मेरी भी बहुत खराब है उस रात से, जिस रात को मुझे शादी के मंडप में बैठने को नहीं मिला था इस प्रभात की वजह से। इंस्पेक्टर साहब प्लीज, आप इन्हें कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए प्लीज। कभी नहीं, आप जा सकती हैं श्रीमती नैना, आज ये हवालात से बाहर नहीं जा सकेगा और इसकी जमानत भी नहीं होने दूंगा। खामोश, कानून तुम्हारे बाप का नहीं है इंस्पेक्टर, प्रभात की जमानत हो गई है वकील जी। और हम जज साहब के घर से जमानत के कागजात लाए हैं। माँ छोड़ दो बेटी। ओ माँ, माँ अपनी बेटी से कितने दिन नाराज रह सकती रे? पापा, पापा, प्रभात की माँ की तबीयत हमें सब पता चल गया है बेटी, चलो तुम चलो जल्दी, चलो चलो चलो, चलो। माँ जी, आप बोलिए मत, आपको तकलीफ हो रही है। बेटे, मेरे प्रभात को, मेरे प्रभात का ख्याल रखना। जाने से पहले एक बार
सिर्फ एक बार, एक बार मुझे माँ कह के पुकार, पुकार बेटा, मुझे माँ कह के बोल बेटे, बोल बेटे, मुझे माँ, का न्यूज़पेपर देखा आप लोगों ने? ये एडवर्टाइजमेंट पढ़ो, एक पार्टी डॉन जुआन को 1,000 टन सिनोकन चाहिए और ये केमिकल सिर्फ हमारी ही फैक्ट्री में बनता है। लेकिन इसमें लिखा है कि उसे डिलीवरी 1 महीने के अंदर चाहिए। How can we do that? साउथ अफ्रीका की बहुत बड़ी पार्टी है ये। I know, लेकिन 1 करोड़ पेमेंट यूएस डॉलर में। सारी की सारी पेमेंट अमेरिकन डॉलर में। Yes. लेकिन एक प्रॉब्लम है यार, 1 महीने में 1,000 टन सिनोकॉन केमिकल्स हमारी फैक्ट्री कैसे बना सकती है जबकि हम सिर्फ 50 टन बनाते हैं। हमें किसी न किसी तरह प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। इसके लिए बहुत कैश चाहिए, कम से कम 10 करोड़ रुपए। ओह, कैश के लिए आइडिया है मेरे पास। हमारी जो फैक्ट्री है उसको गिरवी रख सकते हैं। हम लोगों के जो बंगले हैं उसको गिरवी रख सकते हैं। कैश ही कैश आ जाएगा। अरे मार्केट से हुंडियों पर भी पैसे उठा सकते हैं। भाई अगर ऐसा हो जाए तो हम कम से कम 40 करोड़ रुपया मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। तो फिर देर किस बात की, चलो 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 जल्दी चलो। इनसे पूछे हैट वाले साहब, सुनिए। क्या पाले साहब, कहिए। हम डॉन जुआन साहब की सेक्रेटरी से मिलना चाहते हैं। मैं हूँ डॉन जुआन का सेक्रेटरी। हम SPNJ केमिकल से आए। जी क्यों आए? डॉन जुआन से मिलना है। क्यों मिलना है? मीटिंग मीटिंग मीटिंग। आपकी अपॉइंटमेंट है? ओह ये ये ये, यू आर एब्सोल्युटली इन टाइम। वो आ रहे योर एक्सेलेंस से। हल खुदूस खुदूस, ये लोग SPNG केमिकल से आए हैं। मिस्टर ना चिरकुट ज्वाला सूर्या प्रेम खुलपादोस खुलपादोस खुलपादोस। वो कह रहे हैं आप लोग बैठ जाइए। सिट डाउन सिट डाउन। खुल खुल के मार्कोस खुदीस फुसफुस की हिज हाइनेस ये जानना चाहते हैं कि आप लोग 1,000 टन सिनेकॉन बना सकते हैं। योर एक्सलेंसी, ये मेरे फादर इन लॉ है। खुश माकासी माकासी मनहूस ठूस ठूस। नो फादर इन लॉ नो मदर इन लॉ, हिज एक्सलेंसी के सामने सिर्फ उनका लॉ चलता है। कोई बात नहीं, अरे 3 करोड़ों का धंधा मिल रहा है, पांव सर पे भी रखेंगे तो चलेगा। योर एक्सेलेंसी, एक बात पूछ सकता हूँ, आप 1,000 टन सिनोकॉन का करेंगे क्या? खबीस खबीस हल्का दास हल्का दास। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। 1,000 टन सिनोकॉन को खा जाए पी जाए बिस्तर पे बिछा कर सो जाए, आपका आपके बाप का क्या जाता है? क्या जैसी थी बातें कर रहा है? सॉरी सॉरी सॉरी, जरा ज्यादा पढ़ा लिखा है, सॉरी। चुप बैठ गधे का बच्चा।
आगे से 1,000 टन एक महीने में सप्लाई करना पड़ेगा। 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। फोर का तास 50 करोड़ का फायदा है। 50 करोड़ बोलो मंजूर है। ये क्या करता है? लीजिए 15 लाख रुपए एडवांस। जाओ मामा। कैश। पर सर वो एग्रीमेंट। योर एक्सीलेंसी सिलेंसियो क्या बोलूं मैं आपको? निकालिए हाथ निकालिए बाहर। दोनों नीचे रखिए जो खून। ये था डॉन जुआन का स्टैंप। क्या के लोग अंगूठा लगाते हैं, हमारे डॉन जो हैं वो अपना जूता लगाते हैं। क्या बात है। फ्रेम एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। चलो एक मिनट 1,000 टन सिनेकॉन जो है ना वो अगले महीने की 10 तारीख को मिल जाना चाहिए। नहीं तो डॉन जुआन अपना स्टैंप कहाँ लगाएंगे आप जानते हैं ना? चलो भाया, तुम लोगों की फैक्ट्री और 3 बंगले की कीमत यूं कहो के 18-19 करोड़ हुए हैं, मगर हम उन सब के बदले 10 करोड़ दे सके अंगूठा लगा के। मंजूर हो गए तो यो रहा एग्रीमेंट। इस पर आप चारों के दस्तखत चाहिए हैं। हाँ ठीक है। 1 महीने की तो बात है सिर्फ। महीने के बाद 1 दिन और छोड़ दिया भाया, लेकिन उसके दूसरे दिन हमको मारा पीसा वापस मिल जाना चाहिए अंगूठा लगा के। अरे मिल जाएगा सेठ जी, महीने से 1 दिन पहले ही मिल जाएगा अंगूठा लगा के। देखिए शर्मा जी, कुछ भी करके रात दिन एक करके माल तैयार हो जाना चाहिए। मैं 10 गुना ओवरटाइम देने को तैयार हूँ। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ यू सी टू इट। राइट, थैंक यू। कितना माल तैयार है? 200 टन। बाकी 800 टन का क्या हो जाएगा? सुबह तक 100 टन तैयार होने की उम्मीद है। उम्मीद नहीं, मुझे गारंटी चाहिए। मुझे कल सुबह तक 100 टन चाहिए। अदरवाइज यू आर फायर। गेट आउट। क्यों बड़े, कितना बाकी रह गया है? 400 टन। माय गॉड भाई, वक्त बहुत कम है, जल्दी करो जल्दी। एक 1,000 टन माल रेडी, वो भी 1 महीने के अंदर। चलिए आप डॉन जॉन से चलकर मिलते हैं। चलिए आइए आइए। वेलकम। रेडी फॉर डिलीवरी, यानी ऑर्डर तैयार है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की होगी। इन्वेस्टमेंट भी काफी किया होगा। डॉन जुआन को आपसे यही उम्मीद थी, इसीलिए तो उन्होंने आपको बैम्बूस करने का फैसला किया है। पार्टी डांस सिलिकॉन कंटेस्टेंट, ये देखिए।
Thank you.
Your Excellency, आप तो डांसर भी एक्सेलेंट है. और योर एक्सेलेंसी द केमिकल इज रेडी फॉर डिलीवरी. डिलीवरी? कौन सी डिलीवरी? सिलिकॉन केमिकल की. 1000 टन सिलिकॉन की. जिसका हमें ऑर्डर दिया था आपने. ऑर्डर? कहे का ऑर्डर? अरे सेक्रेटरी जी, आपने 15 लाख रुपया एडवांस भी दिया था उसका. कहे का एडवांस? आपके पास एग्रीमेंट है? तुमने हमसे धोखा किया है, हम तुम दोनों को जेल भिजवा देंगे. किसको जेल भिजवाओगे? तुम्हें डॉन जॉन, तुम्हें. तुम्हें गलत फहमी हुई है प्रेम चोपड़ा. मैं डॉन जुआन नहीं, प्रभात हूँ. प्रभात? लेकिन प्रभात, तुम तो गूंगे थे, तुम्हारी आवाज कैसे आ गई? मेरी आवाज मुझे मेरी माँ ने दी है, जिसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो. जिसने तुम्हें जिंदगी दी, तुमने उसे मौत दी. किस बात का अहंकार है तुम्हें? पैसों का? जिंदगी भर पैसे पैसे के लिए तरसोगे तुम. मां की बद्दुआएं तुम लोगों को कभी नहीं बख्शेगी. और प्रेम चोपड़ा, 1000 टन सिलिकॉन तुम कहां बेचोगे? 10 साल लग जाएंगे तुम्हें बेचते बेचते. कहां से चुकाओगे 10 करोड़ रुपए? मुझे तुम लोगों को बर्बाद करना था, सो कर दिया. लेकिन अब जाओ यहां से, जाओ. हम लोग तो रास्ते में आ जाएंगे. निकालो इन लोगों को. चल निकल कहते. सुनो भाई, अरे याद रखना मेरा नाम. अरे बहुत हो गया प्रेम, चल निकल. ये कैसे हो सकता है? आओ. ये सब क्या है? जिस तरह तुम लोगों ने राजन केमिकल्स का बोर्ड उतारा था, आज उसी तरह तुम्हारा बोर्ड उतार गया. फर्क सिर्फ ये है कि तुम चारों के टुकड़े हो गए. लेकिन ये फैक्ट्री मारवाड़ियों के पास गिर भी है. तुम्हारे नाम की सारी हुंडियां मारवाड़ियों से मैंने खरीद ली है. अब तुम लोगों के पास कुछ नहीं है. चलो जाओ, जाओ यहां से. देखो तुम देख लेंगे. हमारी फैक्ट्री भी छीन ली इसका प्रभात साला. तो देखना सूर्या, मैं इसे ठीक करके रहूंगा. सूर्या, सूर्या बेटे, अरे बेटे, हम बर्बाद हो गए. क्या हुआ जीजा जी? देखो, हमारे बंगले पर कोर्ट का नोटिस लगा है. नोटिस फाड़ देने से बंगले की नीलामी नहीं रुकेगी. प्रभात बेटा, जो हो गया सो हो गया. मैं इन सब की तरफ से तेरे से माफी मांगता हूँ. इनको माफ कर दे. माफ कीजिएगा आप. ज्वाला साला, तेरा मामा. ओ हाँ हाँ, सतेला मामा. बेटा, मैं तो तेरा बाप हूँ ना. बाप? क्यों अपने आपको गाली दे रहे हो पिताजी? मैं ठहरा मनहूस. लोग मनहूस के बाप को मनहूस ही कहेंगे ना. और मुझसे ज्यादा ये कौन जान सकता है कि मनहूस लफ्ज कितनी चोट मारता है दिल पर. प्रभात भैया, कोई मेरा भाई नहीं जो मेरी मां की मौत का जिम्मेदार है. वो मेरा भाई नहीं हो सकता. कल सूरज उगने से पहले अपने ससुर से कहकर किसी झोपड़े का इंतजाम कर लेना. बंगले की नीलामी की नोटिस? मेरा बंगला नीलाम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता. नहीं 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 यार, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास कुछ सोचने के लिए. जल्द से जल्द कुछ करना होगा. हाँ, अरे हाँ सूर्या, हम सब में से तुम ही एक शख्स हो जो अपने घर के कोने कोने से अच्छी तरह से वाकिफ हो. इसलिए आज ही रात को वो सारे पेपर्स प्रभात के घर से लाने होंगे. हाँ, चोरी करके? अरे चोरी क्या है, इसमें प्रभात का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना. हाँ, किसी भी कीमत पर हमें वो सारे कागजात हासिल करने होंगे सूर्या, वरना हम सब जीते जी मर जाएंगे.
बस एक बार वो हुंडिया हमारे हाथ में आ जाए, हमारी सारी परेशानियां खत्म। क्या बात है राजा? बंद कर दिया है। प्रभात ने उस पर कातलाना हमला करने का इल्जाम लगाया। पापा उसे छुड़ा कर लाइए, उसकी जमानत दीजिए। हम सुन रहे हैं ना पापा? नहीं सुन रहा मैं। जब से वो गुंगा बोलने लगा है ना, मैं बहरा हो गया हूँ, अंधा भी हो गया हूँ। मैं सूर्या उर्या के लिए कुछ नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते आप उसके लिए? आप ही लोगों ने तो मिलकर उसे कहा था ना कि वहां जाके चोरी करो, और जब वो पकड़ा गया तो आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कि मैं सूर्या के साथ साथ खुद हवालात में बंद होना नहीं चाहता। तो क्या आप अपनी बेटी की मदद नहीं करेंगे? मैंने आपके लिए क्या क्या नहीं किया, आपके अपमान का बदला नहीं? मैंने भी तुम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है, और जो कुछ भी तुमने किया वो अपनी खुदगर्जी के लिए किया था। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, और वैसे भी शादी के बाद लड़की पराई हो जाती है। तो क्या आपका और मेरा कोई संबंध नहीं रहा? हाँ, सारे रिश्ते टूट गए हैं। अब तू अपनी सोच और मुझे अपनी सोच दे। मैंने तुम्हारी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया, बस बात खत्म। तो अब मुझे भी अपना फर्ज पूरा करने दी। ये थप्पड़ उस बाप के चेहरे पर है जिसने अपनी ही बेटी को अपना ही घर बर्बाद करने की सलाह दी थी। आज के बाद कोई भी बाप अपनी बेटी को ये सलाह नहीं देगा। अरे नागिन, तेरी माँ मेरे भाई के खिलाफ मेरे कानों में जहर भरने वाली औरत। तेरी सजा मौत है, मौत। सूर्या, मार डालो मुझे। मैं तो किसी से माफी मांगने के लायक भी नहीं। तेरा तो पश्चाताप भी मानो पाप है सूर्या। तुम्हारे पश्चाताप के लिए सिर्फ एक ही जगह है अनु, प्रभात भैया के पास जाओ, उनसे माफी मांगो। हाँ सूर्या, मैं प्रभात भैया के पांव पर सर पटक पटक कर मर जाऊंगी, और वो जब तक मुझे माफ नहीं करेंगे मैं उनके पांव नहीं छोड़ूंगी। Ha 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 ha.
मेरी दीदी को किसने हाथ लगाया था? अनु अनु ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई? क्या करना है वो आपका काम है वकील साहब, लेकिन कल के कल उनके बंगलों की नीलामी हो जानी चाहिए। ओके सर। और शाम तक सबके सब सड़क पर। प्रभात भैया, प्रभात भैया, प्रभात भैया, नैना दीदी को बचा लीजिए। नाथ, नाथ और मेरे पापा के गुंडे उसे उठा कर ले गए, मैंने उन्हें रोकने की। अरे तुमने तो उसे मारने की कोशिश की होगी, इतना सब कुछ करके भी तुम्हें चैन नहीं आया? नहीं नहीं प्रभात भैया, नहीं, मैंने मैंने आज तक जो भी किया उस पर मैं शर्मिंदा। ये झूठे आंसू मुझे नहीं चाहिए, जाओ यहाँ से। हेलो, मैं ज्वाला साला तेरा मामा। सौतेले भांजे, तुझे जान के बेहद खुशी होगी कि आज इस महान भारत में एक और महाभारत लिखी जाने वाली है। महाभारत में दो मामा थे, कंस और शकुनी। उन दोनों महापुरुषों की आत्माएं आज तेरे मामा में समा गई है। सुन बेटा, 25 लाख रुपए और सारे कागजात लेकर कल्याणा की खदान में जल्दी पहुंच जा। नैना कहाँ है? अरे सौतेले मामा के चक्रव्यूह में। बात कर, बात कर। प्रभात, नैना ना। अरे ये क्या, अरे तुम डर रही हो? अरे अभी तो ये सुरंग सिर्फ 200 मीटर दूर पर फटी है और तुम डर रही हो? अरे जरा अंदाजा करो, जब यही सुरंग ठीक तुम्हारी पहाड़ी के नीचे फटेगी तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे इस खूबसूरत जिस्म के। लेकिन प्रेम, ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। टूटने से पहले मैं इस खिलौने से खेलना चाहता हूँ। तूने मेरे अंदर के चलते हुए शोलों को हवा दे दी है। अब यहाँ भी वही होगा जो दुर्योधन ने द्रौपदी के साथ किया था। श्रीहरण, पर सिर्फ इतना है कि यहाँ कोई कृष्ण द्रौपदी की मदद के लिए नहीं आएगा। शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। इधर देख, चल मुझे। अगर तूने मेरे भाई को नहीं छोड़ा तो तेरी ये नैना पिट्टी से खाई में मिलेगी। नहीं, शाबाश मोंटी बैगन। कलयुग की इस महाभारत में हम जैसे हर कमीने को अपनी कमीनगी दिखाने का मौका मिल रहा है। हमारे पास और मेहमान भी है। प्रभात, ऊपर देखो देखो देखो। प्रभात, प्रभात,
तुम्हारा ये बचा खुचा परिवार जो है ना वो भी उठते हुए पत्थरों की तरह उठ जाएगा। प्रभात तुम मेरी चिंता मत कर, सेना को बचा ले प्रभात। बेटे गुड्डे को नीचे। नहीं मैं तुम्हें रुपये और कागजात दोनों देता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम लोग इन्हें हमारे हवाले कर दो। पहले वो कागजात और रुपए ले आओ। चलो कागजात निकाल रहा हूँ। चालाकी नहीं होशियारी भी नहीं। ये अंग्रेजी है क्या? अरे ऐसे नहीं कहते। हाँ सब ठीक है चलो। बहुत थक गया हूँ, मुझे मूड नहीं है। अबे यार कहा ना मैं थक गया हूँ, मुझे मूड नहीं है। शीश, क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है? पब्लिक के सामने नंगा पुंगा नहीं होने का बाबू। बस मारा नहीं फिर भी हिल Chopra
आज मैं तेरा खोपड़ा तोड़ दूंगा। इसमें बेईमानी और खुदगर्जी के सिवाय कुछ नहीं है। नहीं सूर्या, नहीं, तुझे नहीं मार सकते। अरे अरे, तेरा मेरा तो बाप बेटे जैसा रिश्ता है। नहीं सूर्या, अब कोई रिश्ता नहीं रहा। मैं इनके लिए मर गई और ये मेरे लिए। अपना खून भी कभी बदल सकता है? अरे सूर तो मेरा खून है बेटी। नारे से मुझ पर धिक्कार है मुझ पर। मैं कभी ना इन लोगों की बातों में आकर, इन लोगों की बातों में आकर आपसे ही बेटी का दुश्मन हो गया। अरे मुझे माफ कर दो बेटी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। सांप काट जाए तो उससे बख्श दो, लेकिन प्रेम चोपड़ा को कभी नहीं। एक मिनट भैया, मुझे क्यों मार रहा? तुम लोगों को ये चाहिए ना, मेरे पास बहुत है। ये लो, ये लो। भैया मुझे माफ कर दीजिए।